ओ डेजी, क्या दूसरे गवर्नमेंट के घर में आग जलाना है? तो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू ठीक है? क्योंकि तेरी आवाज थोड़ी सी अजीब सी है। तू किस बारे में बात कर रहा है? तो अबे डेजी, मैं समझ भी नहीं पा रहा कि तू बोलना क्या चाह रही। क्या तू ठीक है? मैं तो बस तेरे घर में जा रहा था और ये यहाँ पर खड़ी हुई थी। वेट, क्या क्या तू असली डेजी है या फिर ये? क्या लग रहा है तेरे को? मैं असली डेजी हूँ। आई डोंट नो, तुम दोनों सिमिलर लग रहे हो। और यहाँ पर दो डेजी क्यों हैं? ओह हाय गाइस, व्हाट द हेक, यहाँ पर ये तीसरा भी डेजी है? क्या मतलब तेरा? हे डेजी, हे डेजी, हे डेजी, हाय डेजी, हाय डेजी, ओह हाय डेजी, ओह माय गॉड, यहाँ पर हो क्या रहा है? उसके बारे में कोई बात कर रहा है? तुम कहिए, तुम दोनों डेजी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। ओह हाँ, बस सही कह रही है, तुम दोनों डेजी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन पर तुम और ज्यादा हो। ब्यूटीफुल हो, मेरे से तो ज्यादा ही हो। मेरे कुकीज किधर गए? ये तो क्या, मैं कोई सपना देख रहा हूँ? यहाँ पर एक और डेजी है। हाय डेजी, हाय डेजी, हाय हाय डेजी, हाय डेजी, हाय डेजी, हाय डेजी। क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? एक मिनट, 1 डेजी 2 डेजी 3 डेजी 4 डेजी। अच्छा, चार नहीं, एक बार थोड़ा सा यहाँ मुड़। हाँ, ये देख, हेलो, मैं भी डेजी हूँ। डेजी, ओ डेजी, ही डेजी, एक और डेजी, हाय डेजी, हाय डेजी, कितने सारे डेजी हैं? हाय डेजी, हाय डेजी, लेट्स गो डेजी, कितने सारे डेजी, 5 डेजी हैं यहाँ पर। एक मिनट, अगर यहाँ पर इतने सारे डेजी हैं, तो इनमें से रियल डेजी कौन है? ई डॉक्टर, ई डॉक्टर, ई डॉक्टर। तो अब मेरे को ये 5-5 डेजी में से झेलना पड़ेगा। ओके ओके, अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से रियल वाली कौन सी है। ओके, ये अब इजी नहीं होने वाला, लेकिन सारी डेजी लाइन बनाओ। उधर मेरे सामने नहीं, उधर जाके खड़ो। ऑल राइट डेजी, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि मेरे इतने सारे 5-5 डेजी बहन तो नहीं है ये सर्वर के अंदर। ओह माय गॉड, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना मैं टीएनटी से उड़ा दूंगा तुम लोगों को। हाँ, चुप रहो एकदम। और वैसे मेरा होली वाटर किधर गया? तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ए हमारी जो रियल डेजी है वो तुम में से किसी एक के बीच में है, अमोंग यू, और वो ढूंढने के लिए हम थोड़े से टेस्ट करेंगे एंड उससे हमें पता चल जाएगा कि रियल डेजी यानी हमारी डेजी किधर है। एंड लकीली मैं बस अभी एक एडवेंचर पे गया हूँ एंड उसी से मेरे को 4 ग्लास ऑफ होली वाटर मिले हैं। तो क्या क्या मतलब तेरा होली वाटर से? हम लोग कोई भूत थोड़ी है। ये काफी ज्यादा फनी था, लेकिन अब हम लोग थोड़े से टेस्ट करने वाले हैं, तो क्या तुम लोग उसके लिए तैयार हो? आई गेस सो। ओए, किधर जा रही? रुक, इधर इधर ही रुक। हाँ ओके, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हमें ए वो टेस्ट करना है और उसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया भी है। सो डेजीज, अभी मैं तुमको थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा। सो डेजी का फेवरेट क्या है? ये होली पोटैटो या फिर बी कुकीज या फिर ऑप्शन सी स्वीट बेरीज। वेट अ मिनट, वो क्या है? बेरीज। वेल डेजी के ये फेवरेट आइटम नहीं है, कि क्या तू श्योर है डेजी? हाँ, मेरे हिसाब से तो ये, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्वीट है और ये टेस्टी भी है और ये काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, तो अब मेरे हिसाब से यही डेजी का फेवरेट होना चाहिए। लाइक बाकी के डेजी के हिसाब से तो ये सही आंसर नहीं है। हाँ, क्योंकि वो लोग फेक है। नहीं, शायद से मेरे को ये ट्राई करना चाहिए होली वाटर तेरे ऊपर। ओ बेरी, अब ये इतनी देर से तू था और तू इतने टाइम से डेजी क्यों बना फिर रहा था?
मेरे को ऐसे थोड़े से पैसों की जरूरत थी, तो मैं सोचा कि तेर से मैं थोड़े से पैसे उधार ले लूं डेजी बन के, है ना? ओह माय गॉड, तू ऐसे कैसे कर सकता है? चीटिंग है, और डेजी कभी चीटिंग नहीं करती। हमारे नाम के ऊपर धब्बा है, तू कभी डेजी नहीं हो सकता। ऑलराइट डेजी, तो ये बारी है टेस्ट नंबर 2 के लिए, तो क्या तुम लोग तैयार हो? लेकिन हमें ये कब तक करना पड़ेगा? जब तक कि मैं चाहूं डेजी। पर हम लोग तेरे नौकर थोड़ी है। मेरे को सही में समझ नहीं आ रहा कि तुम में से ये बात कौन कर रहा है और किस किस की क्या आवाज है, हर जगह गूंज रही है, तो कौन असली है? आई कैन बिलीव कि तू असली वाली डेजी को पहचान नहीं पा रहा, लाइक इतना तेजी से बढ़ रहा है तू। काम डाउन, ओके। तो अब हमारे दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो मैंने सेटअप करा है एक ब्रांड न्यू किचन फॉर यू डेजीज, और अब तुम मेरे लिए सबसे अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट डिश बनाओगे। हाँ, लेकिन सबसे पहले कौन सी डेजी जाएगी? हाँ, ऑलराइट ऑलराइट, सबसे पहले मैं जाऊंगी। ओके, सीक्रेट रेसिपी, पफ फिश, रॉड एंड फ्लैश। अब गलती से उठा लिया मैंने। ओके, मैं ये नहीं ले सकती, वरना चीटिंग हो जाएगी। ओके, स्पाइडर आई, एंडो आई, फेदर्स, गन पाउडर, लावा एंड थोड़े से टीएनटी। क्या मैं इसे खा भी सकता हूँ? वेट, तूने सही में कुछ बढ़िया बनाया है, ट्राई करना चाहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, दे मेरे को। ओह माय गॉड, तूने सही में कुछ बढ़िया इसमें बनाया। डेजी, क्या हुआ, क्या खराबी है इसमें? वेल डेजी, ये कुकी एक मरे हुए आदमी के तरह क्यों स्मेल कर रही है? ज्यादा बोल रहा है? बना कुछ बढ़िया। ओके, तुम्हें मेरी बारी, ठीक है, तुम्हें को कुकीज बनाना है, ठीक है? ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये सड़े हुए पौधे लूंगी और ये लेके, और इसके ऊपर एक डर्ट डाल दूंगी, और ये सड़े हुए पौधे, और ये थोड़े से मेरे दादाजी के जो हड्डी के जो वो है बारूद, वो डाल दूंगी इसके अंदर, तो ये बढ़िया लगेगा। ये कितना ज्यादा ग्रोस है। ओह, एक केक, ओके वाओ, दिस इज ग्रेट। ओके गाइस, तो मैंने पहले ही बोला था कि कुकिंग इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम इजीली एक केक बना सकते। क्या हुआ? आई थिंक इसके दादाजी की अस्थियाँ इसके नाक में चली गई है। मैं तो यहाँ से भी सुन सकती हूँ। बट ये तो मेरी सीक्रेट रेसिपी है। डेजी, इसके अंदर से ये तेल की बदबू क्यों आ रही है? क्योंकि वो तेल वाला फ्लावर था। ओके डेजी, तेरे लिए कुकिंग बहुत हो गई। ओके लास्ट डेजी, अब तू जा बनाने। ओके, तो अब मैं जाऊंगी बनाने, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो मैं ये लूंगी और इसके अंदर आग डालूंगी, और ये इससे बन जाएगा, और इसे है ना ये दो बोल बनेंगे, और ये बोल से बनेंगे आग, और ये आग से मैं मीट बॉल बनाऊंगी, और ये मीट बॉल्स के अंदर मैं थोड़े से नूडल्स बनाऊंगी, और ये नूडल्स डाल के आप ये बन जाएंगे स्पेगेटी मीट बॉल्स। और डोंट टेल मी कि तो अब मेरी फेवरेट डिश बिगाड़ने वाली। वेट, ये काफी ज्यादा बढ़िया स्मेल कर रहे हैं, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ? वाओ, ये काफी ज्यादा बढ़िया टेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया था डिसी, तूने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं बनाया है। हाँ मुझे पता है, मैं बेस्ट कुक हूँ। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है डेजी, कि जो रियल डेजी है वो एक बढ़िया कुक नहीं है। इसका मतलब तू फेक डेजी है। अब नहीं नहीं, मैं फेक नहीं हो सकती। बाहर आ राक्षस। सैंड्रा, अबा, क्या मैं ये किधर? हाँ, मैं सैंड्रा हूँ। हाँ मैं ही सैंड्रा हूँ। हाँ तू है, लेकिन तू डीसी क्यों बनी थी? लेकिन पहले वो बेरी और अब तू। हाँ आई डोंट नो, लेकिन मैं फिर भी एक बढ़िया स्पेगेटी और मीट बॉल बनाती हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन ये काफी ज्यादा टेस्टी है, और मैं इसे बाद के लिए बचा के रखता हूँ। ऑलराइट, सो अब बस सिर्फ 3 डीसी बचे हुए हैं, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि तुम तीनों में से हमारी मेन डेजी। ओह माय गॉड, ये उड़ कैसे रही है? ऑलराइट, तो ये बारी है एक जंग की डेजी, तो क्या तुम तीनों तैयार हो उसके लिए? ये कितना ज्यादा बोरिंग है, मेरे को घर जाना है। हाँ सही कह रही है, बहुत बोरिंग है। वाहियात गेम, क्या तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम लोग और अच्छे तरीके से तो मैम को पहचान पाइए बोरिंग गेम्स के अलावा? हाँ, कुछ है, वह तुम लोग को ये उड़ा दूंगा एंड उससे मेरे को पता चल जाएगा कि रियल डेजी कौन है। मुझे जंगी ठीक था। ऑलराइट, सो लेडीज, अब डेजीज एंड डेजीज, तो मैं अभी चिकन स्पॉन करने वाला हूँ, क्योंकि डेजी रैंडम मॉब को मारते रहती है पता नहीं क्यों, लेकिन जो सबसे ज्यादा तुम में से चिकन को मारेगा वो ही हमारी डेजी होगी। सो आर यू रेडी? सो हियर वी गो। मारो मारो सबको मारो। ऑलराइट, सो डेजी नंबर 1 सबको मारी, और डेजी नंबर 2 बच्चों को मारी। भाई ये तो काफी ज्यादा क्रूएल है। बट डेजी नंबर 3 तू क्यों कुछ नहीं कर रही?
तो रो क्यों रही है डीजी नंबर 3? यानी डीजी को तो चिकन समानना पसंद है ना? हाँ, बट वो मेरे फैमिली है। तेरी फैमिली क्या? तेरी फैमिली? ओए तू का हुआ है? ये देख तेरे ऊपर ये बटर कप लगा हुआ है और ये तो चिकन नहीं है। वो सब मर रहे हैं। वेट अ मिनट, अगर ये डीजी को लग रहा है कि ये चिकन इसके फैमिली है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि ये फेक डेजी है। ओए फेक डेजी, अब तो सॉरी ये करना पड़ेगा, लेकिन होली वाटर के लिए तैयार हो जा। ओ नहीं फ्रैंक, ये तूने क्या करा? मैंने क्या करा? बड़ा वाला चिकन। ओ नहीं, बड़ा वाला चिकन भागो यहां से। चिकन ब्रो, ओए मेरे पास मत आओ। ओए मैं ना मर दूंगा। डेजी रुको, डेजी नहीं, ये देखो डेजी मेरे पास है कुकीज। कुकीज? हां वहां जाके लड़ लो। अरे बाबा हट, अजय इधर से। मेरे को चाहिए ये, मेरे को याद दे। भागो डेजी के। नहीं फ्रैंक, तू डेजी क्यों बनाता? ये काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि सबसे पहले बेरी डेजी बना, फिर सैंड्रा बनी जो कि तेरी बेटी है, और अब तू क्या? सैंड्रा भी डेजी बनी थी? हाँ वो बनी तो थी। ओके, मेरे को उसे चेक करना पड़ेगा, वो काफी ज्यादा डर गई होगी। रुक, अब जाने से पहले मेरे को तू ये बात बताएगा कि क्या हो रहा है, लाइक इतना सब कुछ तेरे साथ कुछ वियर्ड हुआ क्या? क्योंकि सब लोग ये इसके तरह क्यों बनते जा रहे हैं? सब लोग इसमें क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? कुछ आइडिया? जितना के मेरे को याद है, मैं अपने किचन में था और मेरे को स्प्लैश पड़ा। बस मेरे को इतना याद है, बाकी तू ढूंढ ले। क्या? तो उसको स्प्लैश पड़ा और फिर ये हुआ। ओके क्या हुआ? कुछ गलत हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं। अब वैसे अब सिर्फ तुम दो डेजी हो, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि इतनी सारी डेजी आए कहां से और ये कौन बना रहा है? लाइक स्प्लैश है, इसका मतलब किसी ना किसी का ये प्लान है और मैं इसके अंदर गहराई में जाऊंगा। सो डेजीज, आर यू रेडी फॉर द फाइनल टेस्ट? ओके, अगर तू कहता है तो। ऑलराइट डेजीज, तो ये है अपना फाइनल टास्क और इसमें ना तुम्हें किसी को मानना पड़ेगा, ना तुम्हें कुछ खाना बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये काफी ज्यादा इजी टास्क है। सो आर यू रेडी? सो डिजीज, तुम्हें जैसे कि पता है कि सर्वर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बेरी, सैंड्रा और फ्रैंक जो कि उधर रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही। ये बंद करिए करना। पर तू पलता है, हम तो हिले भी नहीं यहाँ से। ऑलराइट डेजी, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन होगा, ये पूरे सर्वर में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? ऑब्वियसली तू। शायद से सैंड्रा मेरे को कुकीज बनाने के लिए बुला रही है। एक मिनट, तू भाग क्यों रही है डेजी? देखा, वो ऑब्वियसली फेक थी। हाँ, क्योंकि उसने माना नहीं कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ वियर्ड, लेकिन तू ही तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ मैं ही तेरा बेस्ट फ्रेंड और भाई हूँ। ऑलराइट गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमने रियल डीजी को ढूंढ निकाला। लेकिन एक मिनट, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो अलग है? एक सेकेंड, डीजी कभी भी अपने फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करती, तो ये कभी एडमिट नहीं करेगी कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। लेकिन देखा, मेरे को कुकीज पसंद है और मैं जानवर को मारती भी हूँ और मैं बहुत ही गंदा खाना भी बनाती हूँ, तो मैं ही डेजी हूँ ना। हाँ, तेरे में वो सारे गुण है जो डेजी के अंदर है, लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि डेजी कभी भी अपने फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करती और वो ये कभी भी जाहिर नहीं करेगी। तो कौन है तू? शायद से ये मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। हे डेजी, लेकिन जाने से पहले तेरे को एक गिफ्ट दे सकता हूँ क्या? क्या गिफ्ट? हाँ, वैसे तेरे को जूस काफी ज्यादा पसंद है ना, तो तेरा गला सूख रहा होगा इतने टाइम के बाद में ये इतनी सुबह से घूम रहे हैं। पसंद है, पसंद है। ये ले वो जूस, ये ले वो जूस। ये काम क्यों नहीं कर रहा? मैं क्रिएटिव में हूँ। चेरी? नहीं। तो अगर तू लास्ट फेक डेजी है, इसका मतलब ये है कि वो किधर जा रही है? तो अब रुक रुक, सुन मेरी बात, तो ये तू डीजी में टर्न होने से पहले या फिर चेंज होने से पहले क्या हुआ था तेरे साथ? मैं डीजी के साथ थी और उसने पता नहीं मेरे ऊपर कुछ पोशंस मार दिए थे। पोशन? और फिर क्या हुआ? और फिर मैं सब कुछ भूल गई और मैं डेजी बन गई। इसका मतलब यही है कि डेजी सब लोग को डेजीज में टर्न कर रही है। अब ओके, थैंक यू चेरी, बाद में मिलते हैं। हेलो, नॉक नॉक, हेलो। व्हाट? मेरे को हमेशा से लगता था कि न्यूज़पेपर झूठ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने तो सही छापा है कि मेरे चिकन्स अब मर गए। ये तो क्या हालचाल, कुछ काम था क्या? अगर डीजी यहाँ पर नहीं है तो वो गई किधर? क्योंकि वो तो यहाँ पर ही आई थी जब मैंने देखा था। एक मिनट, क्या वो यहाँ पर? हेलो डीजी, तू यहाँ पर है क्या? डेजी? डेजी घर पर नहीं है, डेजी घर पर नहीं है। डेजी, मैं तेरे को क्लियरली देख सकता हूँ छुपते हुए ये वीट के अंदर। हाँ, मैं वो यहाँ पर वो वीट खा रही थी। ओके ओके, रोना हो गया तो ये एक्सप्लेन करेगी प्लीज?
बाबा ग्लास टूटने की आवाज आ रही थी ऊपर से। ओ नहीं बाबू बाबू। ओके बाबू। चेरी ऑल राइट डेजी, अब बताएगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं वो वापस से पोशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ओ तो तभी सब लोग डेजी बन गए थे, क्यों करती है ये सब तू? मेरे को क्या पता था कि सब लोग मेरे जैसे बन जाएंगे, मेरे में टर्न हो जाएंगे। डेजी हाय बेरी। डेजी तूने बोला कि वहाँ पर डायमंड्स है, तूने बोला कि मेरे को डायमंड्स मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में मैं तू बन गया। कितना बढ़िया मजाक करता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मजाक था, फूट फूट के हंस रही हूँ मैं तो। डेजी आई कांट बिलीव दिस। चेरी हाय। चेरी क्या बढ़िया सरप्राइज है, मेरे को लगा कि वो एक सरप्राइज पार्टी थी। डेजी आई कांट बिलीव के तूने ये करा। वाओ सैंडा, आज तो सरप्राइज से सरप्राइज ही मिलते जा रहे हैं। डेजी आई मीन मैं तेरे पे गुस्सा नहीं हूँ, तो टेंशन मत ले, लेकिन क्या तूने मेरा कहीं क्रॉक पॉट देखा है? क्योंकि जब मैं कुकिंग कर रहा था तो वो मैं कहीं भूल गया, तो क्या तूने वो कहीं देखा है क्या? आई बेट के इसने वो पोर्शंस क्रॉक पॉट के अंदर ही बनाए हैं। देखा डेजी, यही होता है जब तू अपना एक्सपेरिमेंट करेगी पोर्शन के साथ और दूसरों के जिंदगी के साथ छेड़खानी। So, क्या तू प्रॉमिस करती है कि ये दोबारा से तू नहीं करेगी? ऑफ कोर्स। हां ये नो। ओके ओके। दोबारा से नहीं। क्या?